अभिनेत्री रश्मिका मंदाना का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ तो हर कोई इस चिंता में है कि कहीं उनका भी ऐसा कोई वीडियो इंटरनेट पर मौजूद तो नहीं, क्योंकि जितनी सफाई से ये वीडियो बनाया गया है देखने वाला ये तय नहीं कर सकता कि असली कौन सा है और नकली कौन सा। ऐसे तमाम फेक वीडियो इंटरनेट पर मौजूद हैं जिनमें किसी सेलिब्रिटी या राजनीतिक शख्सियत के चेहरे या आवाज का इस्तेमाल करके इमेज खराब करने की साजिश रची गई है या फिर अफवाह फैलाने की कोशिश की गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के मामले में भारतीय कानून क्या कहता है। लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर डीप फेक क्या बला है। आसान भाषा में कहें तो डीप फेक वो तकनीक है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके किसी भी तस्वीर, वीडियो या ऑडियो को मैनिपुलेट करके बिल्कुल अलग बनाया जाता है। मसलन किसी नेता, अभिनेता या किसी सेलिब्रिटी की स्पीच उठाकर AI बेस्ड टूल के जरिए पूरी तरह से बदला जा सकता है। तकनीक की मदद से ये काम इतनी सफाई से किया जाता है कि इस जाली ऑडियो या वीडियो को लोग सच मान बैठते हैं, यानी असली या नकली को पहचानने में काफी मुश्किल होती है। ये एक तरह की मॉर्फिंग ही है, जैसा कि कई दशकों से होता आया है। जब से फोटो और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इजाद हुए तब से ये सब होता आया है, लेकिन अब वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का है। अब ये काम AI टूल की मदद से इतनी सफाई से होता है कि सच झूठ में अंतर लगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। अभी तक किसी भी सॉफ्टवेयर या सोशल मीडिया कंपनी के पास ऐसी कोई तकनीक मौजूद नहीं है जो इस तरह की तस्वीरों या वीडियो को पहचान सके और उन्हें ऑटोमेटिकली रिमूव कर दे। हालांकि कई कंपनियां इस तकनीक पर काम कर रही हैं, लेकिन स्पैमर्स उससे दो कदम आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं कि वो कानून जो आपके लिए ऐसे मामलों में मददगार साबित हो सकते हैं। पहला है गोपनीयता कानून यानी प्राइवेसी लॉ। ये कानून कहता है कि अगर कोई डीप फेक वीडियो किसी व्यक्ति की सहमति के बिना बनाया गया है तो पीड़ित शिकायत दर्ज करवा सकता है। IT एक्ट 2000 की धारा 66D के तहत ऐसे काम को धोखाधड़ी मानते हुए सजा का प्रावधान है। दोषी शख्स को 3 साल की कैद और 1,00,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। नियमों के मुताबिक शिकायत मिलने पर सोशल मीडिया कंपनियों को 24 घंटों के अंदर कंटेंट हटाना होता है। भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 499 और 500 में मानहानि का प्रावधान है। अगर गलत जानकारी फैलाकर किसी शख्स की इमेज खराब करने की नीयत से कोई डीप फेक वीडियो या इमेज बनाई गई है तो पीड़ित शख्स उस वीडियो को बनाने वाले के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन, उपभोक्ता संरक्षण कानून और साइबर क्राइम के तहत भी इन मामलों में दोषी व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया जा सकता है। इस खबर पर अपनी राय हमें जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल।